बात कही, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तमाम आलाम, तमाम आसाइश मुझ पर मेरे परवरदिगार का एहसान है, मुझको परखा गया है, देखा गया है, मुझे जांच लिया गया है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करार दिया गया। वो बशरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसने हर मुसीबत और बला के आखिर में ये कह दिया ना, अल्लाह तुझका ईमान है, तू ही मेरा रब है, तू ही मालिक है, मुझे कोई फिक्र नहीं तेरी आजमाइशों की, मुझे बस कामयाब फरमा दे, तमाम आलाम तेरी तरफ से आए हैं, तमाम तेरी तरफ पलट जाएंगे। ये खादिम आजाद याद रखिए कि जिसने कलमा पढ़ा परवरदिगार उसके बारे में ये बात, उसके बारे में क्या कहा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के आगे क्या पता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुम। छोटी बात ही ना, इन पे मेरी तरफ से दरूद और सलाम है। जो इन आजमाइशों से कामयाब होकर निकलते हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुम व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये पढ़े लिखे ये हिदायत क्या है, काफी आजाद गौर कीजिए इस बात पर। जब भी कोई आजमाइश है, दुख है, रंज है, उसमें एक चीज आपको एक अप्रोच काम आएगी, उसी वक्त पर आप मरे पे पड़ते, मरे ने वापस नहीं आना होता, मुसीबत में निकलना होता है। ये अजाब नहीं है, अजाब ठहरने वाला है, कब्र तक हो जाएगा आपको, आजमाइश ठहरने वाले नहीं है, पल दो पल में भी निकल जाएगी। अप्रोच ये चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी को बला पेश आए, कोई आजमाइश आए, भूख आए, अफलास आए, जान का नुकसान आए, इतना बच पढ़ दिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप किस चीज के हकदार हो, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुम। इन लोगों पर एक तरफ से दरूद और सलाम है, इन्हीं पर अल्लाह की रहमत है, इन्हीं को अल्लाह की हिदायत के अफसर लोग समझे।